नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीए शालिनी सोमानी। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी। ये वीडियो को पूरा देखिएगा। जिसके लिए कहते हैं, अगर एक बार धनुष से छूट जाए बाण और मुंह से निकल जाए शब्द, तो उसे वापस नहीं ले सकते। लेकिन अगर ये बयान आपसे ज़बरदस्ती लिया गया हो जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा सर्च एंड सीजर के दौरान, और उसी के तहत आपसे जबरन जीएसटी लायबिलिटी भी वसूल करी गई हो, तो क्या आप ये बयान को वापस ले सकते हैं? क्या आपने जो जीएसटी लायबिलिटी रिलीज़ करी है, क्या उसका रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं? चलिए देखते हैं आज ये इम्पॉर्टेंट केस स्टडी में। ये केस स्टडी है रिट पिटीशन नंबर 5192 ऑफ 2020 डन बाय श्री नंदी धाल मिल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एट मद्रास हाई कोर्ट, जिसका जजमेंट 7 अप्रैल 2021 को आया है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, विच आई फेल्ट लाइक शेयरिंग विद यू। फैक्ट्स ऑफ द केस आर, 22 अक्टूबर 2019 दिवाली के समय डिपार्टमेंट ने रेड किया श्री नंदी मिल्स के यहाँ पे, जिनका बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आटा, फ्लोर, ग्रेन्स एंड पल्सेस, जो अगर नॉन ब्रांडेड है तो जीएसटी में एग्जेम्प्ट है, बट इफ़ दिस आर ब्रांडेड देन जीएसटी इज़ एप्लीकेबल। डिपार्टमेंट वालों ने नंदी मिल से लिखवाया कि उन्होंने टैक्स की चोरी करी है, जिसके तहत वो खुद मानते हैं कि उनका इतना जुर्माना, सम अमाउंट ऑफ टैक्स बनता है, और वो उसे रिलीज़ भी करेंगे। डिपार्टमेंट वालों ने पेमेंट की एक स्कीम बनाई, जिसके तहत कुछ दिनों में 1 करोड़ की इंस्टॉलमेंट के हिसाब से 7 करोड़ डिपार्टमेंट को उन्हें भरना था, प्लस एनी एडिशनल अमाउंट जो इसके बाद बचती है वो डिपार्टमेंट वाले उनसे बाद में लेने वाले थे। अब इन डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स के प्रेशर में आके उन्होंने बयान भी लिख दिया, 1 करोड़ वॉज पेड इमीडिएटली ऑन 22 अक्टूबर 2019 एंड नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट वॉज पेड ऑन 30 अक्टूबर 2019। बट उसके बाद जो हुआ उससे ये केस की दिशा बदल गई। नंदी मिल्स ने अपना बयान रिट्रैक्ट करा लिया, मीन्स उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बयान दिया है वो अपनी इच्छा से नहीं था, इट वॉज़ नॉट वॉलेंट्री, इट वॉज अंडर कोअर्शन एंड इन्फ्लुएंस, दैट मीन्स प्रेशर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिसके तहत उन्होंने वो बयान लिखा, क्योंकि उनका जो बिजनेस है उसमें कोई ब्रांड यूज़ नहीं हो रही है। जो ब्रांड यूज़ हो भी रही है लाइक शिवम, त्रिशूल, नंदी, वो ब्रांड्स का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर कभी हुआ भी तो वो ट्रेडमार्क के राइट्स कभी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अब डिपार्टमेंट का मानना है सेक्शन 74(5) रेड विद सेक्शन 74(6) उसके तहत वो वसूल कर सकते हैं। हालांकि अगर हम ये सेक्शन रीड करें ध्यान से, सेक्शन 74(5) रेड अलोंग विद सेक्शन 74(6) ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ये कहता है कि सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ असर्टेनमेंट दी जाती है एसएससी को, जिसके तहत वो अपनी लायबिलिटी चेक करके बताते हैं कि अभी तक उन्होंने कुछ गलती करी है, और अब वो लायबिलिटी खुद एसेस कर रहे हैं, मतलब खुद मान रहे हैं कि उन्होंने गलती की दी थी, और अब वो सही असेसमेंट करके बाकी का भुगतान करने वाले हैं। ये इस सेक्शन में 3 खास बात है। सबसे पहली बात ये कि एसएससी अपनी गलती मानता है और सेल्फ असर्टेनमेंट करता है टैक्स लायबिलिटी का। सेकंड पॉइंट है, डिपार्टमेंट के ऑफिशियल उसकी जांच करेंगे, और अगर उन्हें वो कम लगेगा तो वो लायबिलिटी खुद डिसाइड करेंगे। सो सेकंड पार्ट इज़ दैट इफ ऑफिशियल एग्जामिन्स द सेल्फ असर्टेनमेंट और उन्हें अगर वो गलत लगता है, तो थर्ड पार्ट इज़ वो सही लायबिलिटी को डिटरमाइन करके का अनुमान लगा के शो कॉज नोटिस रेज करेंगे। अब इस केस में जब यहाँ 2 करोड़ श्री नंदी मिल्स भर चुके थे, फिर भी उन्हें समन्स आए जा रहे थे, जिसमें टैक्स लायबिलिटी का डिटर्मिनेशन तो नहीं था, बट समन्स आ रहे थे कुछ और चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए, कुछ इन्वॉइसेस और फर्दर डॉक्यूमेंट्स के लिए, जो
बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाई कोर्ट का कहना है कि ये तीन चीज़ें होनी चाहिए वो शो कॉज नोटिस इशू करने से पहले। सबसे पहला, श्री नंदी मेल्स का एक्सेप्ट करना, जो है ही नहीं क्योंकि उन्होंने अपना रिट्रैक्शन ले लिया था बयान का। सेकंड केस, अगर उसे कम लगे, अगर वो डिपार्टमेंट ऑफिशियल को कम लगे तो वो एसेस करे। थर्ड केस, शो कॉज नोटिस इशू करे फॉर बैलेंस लायबिलिटी। नाउ इन दिस केस, सिंस वो टैक्स लायबिलिटी जो थी ना, तो वो टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन हुई है डिपार्टमेंट वालों से, एंड सेकेंडली ना तो जो फर्स्ट पॉइंट है जहाँ सेल्फ असर्टेनमेंट एसएससी जो लायबिलिटी खुद एक्सेप्ट कर रहा है ना, वो पॉइंट वैलिड है, दैट इज़ ऑल्सो मिसिंग। सो द जजमेंट वॉज हेल्ड इन द फेवर ऑफ एसएससी, जिसके तहत जज कोर्ट ने डिपार्टमेंट को विद इन 4 वीक्स 2 करोड़ की अमाउंट्स रिफंड करने को कहा है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, एंड इट प्रोवाइडेड अ मच मच रिलीफ एंड रेमेडी टू श्री नंदी मिल्स, जो आज की सिचुएशन में बहुत ही करंट और रेलेवेंट केस स्टडी है। ये सिर्फ नंदी मिल्स के साथ ही नहीं, और पहले भी हो चुका है, लाइक डाबर इंडिया लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन द ईयर 1990, तब भी ऐसा हुआ था, जो उनसे जबरन सर्च एंड सीजर के दौरान पैसे भरवाए गए थे टैक्स के रूप में, उन्हें भी उसे बाद में रिफंड करना पड़ा था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दौरान। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी, आई थॉट लाइक शेयरिंग विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल वीडियो, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।